The farmer-producer organizations play an important role in revamping India's agricultural sector. There are around 3,500 farmer-producer organizations in the country, but majority of them are not operational. Some of them lack requisite skill, information, and most crucial, access to finance. पहले तो गांव में छोटा-छोटा व्यवसाय कर, छोटा-छोटा जैसे बनाना, जारबेरा, फार्मी कंपोस्ट, तो पिगारी, ये सब कर, तो हम लोगों ने सब लोगों के फायदा के लिए हल्ली की शुरुआत किया. Farmers का जो FIG level है, means farmers interest group, उस level में जाके उसका product identify करके अगर कुछ financial support उसको दिया जाए, तो उसका product develop होगा. Definitely उस type का अगर 10-15 FIG का product develop हो जाए, उस product को लेके FPO आराम से business कर सकते हैं. Strategic partnership program provides an effective platform to mitigate farmers' challenges and helps in doubling their income. Under this program, there is an alliance of organizations who are working in terms of empowering small and marginal farmers at different levels. Presently, the program has been operationalized in the state of Assam and Jharkhand, and focus has been mostly with the farmer producer organizations. अभी हम लोगों की पता नहीं है कि लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और क्या-क्या करने से मिलेगा. तो हम लोगों की पता होगा कि लोन कैसे मिलेगा. तो हम लोग आगे बढ़ेगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंक्स वगैरह हैं, लोन देने के लिए तभी आगे आएंगे जबकि एक जो कृषकों का जो उत्पादक संगठन है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्टिविटी रखे अपने, और जो उनकी मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के रूप में सामने आए. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन फार्मर्स. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर इश्यूज. And at the same time, we are trying to develop their capacities. जैसा कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो कि बहुत गरीब लोगों तक जिनको फ़ायदा पहुंचा सके. सो आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं एक्सेस टू फाइनेंस के ऊपर, इसमें हम लोग एक नेशनल लेवल एक ग्रुप बनाने वाले हैं जो कि एंड में एक पॉलिसी रिकमेंडेशन सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से और किस तरह के प्रोडक्ट शायद उनमें कुछ सुझाव हो. और भी हम होप करते हैं कि आगे चल के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो इन विचारों को शायद अपनाएं और ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेके आएँ जो कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को, जो कि बहुत गरीब कम्युनिटी है और जो एफपीओ बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, उनको हम पहुँच सकें. इफ एक्सेस टू फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, देन मोर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिट्स for shareholders by 2020. अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने 2000 केजी की बिजनेस किया. तो अगर हम लोगों ने पैसा मिला तो 10000 केजी की बिजनेस करने के प्रस्तुत है.